हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अनानास मिल्क शेक। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मिल्क शेक बनता है अनानास का। तो चलिए देखते हैं अनानास का मिल्क शेक बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने पूरा अनानास लिया है, इसे अच्छे से मैंने छील करके साफ़ कर लिया है। काफ़ी टाइम लगता है इसको साफ़ करने में, इसके लिए मैंने इसे पहले से छील करके साफ़ कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े काट देंगे। देखते हैं हमें और किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने क्रश किया हुआ बादाम लिया है, इसे मैंने कूट लिया है 4 से 5 बादाम को, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर मैंने पिस्ते को बारीक पीसेस में काट लिए हैं। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच चीनी लिया है। एक ग्लास दूध का मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं। आइस क्यूब 3, हरी इलायची, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मिल्क शेक में। आधे ग्लास पानी का मैंने ठंडा पानी लिया है, दूध को भी हमने ठंडा ही रखा है। आप किसी भी फ्रूट का शेक बनाएं तो उसमें ठंडा दूध और पानी भी ठंडा ही यूज करें, इससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम पाइनएप्पल के छोटे छोटे पीसेस काट लेते हैं। हम आधा ही पाइनएप्पल यूज करेंगे। यहाँ पर मैं 2 ग्लास पाइनएप्पल मिल्क शेक बना रही हूँ, इसके लिए हमें आधे पाइनएप्पल की ही ज़रूरत है। अब हम इसके छोटे पीसेस कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मिल्क शेक होता है पाइनएप्पल का। पाइनएप्पल में बहुत सारे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, इसमें विटामिन ए, सी, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही इसमें कैल्शियम होता है जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। बहुत ही अच्छा फ्रूट होता है, बहुत ही हेल्दी फ्रूट होता है अनानास। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, इसे मिक्सी में मिक्स करने में आसानी होगी, इसका जूस बनाने में हमें आसानी होगी, इसलिए हमने इसके छोटे पीसेस कर लिए हैं। अनानास में प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, साथ ही ये बॉडी के फैट को कम करने में मदद करता है, इसे गला देता है धीरे धीरे, इसलिए अपने दैनिक दिनचर्या में अनानास को शामिल कीजिए। हमारा अनानास कट करके रेडी हो चुका है, अब हम इसे मिक्सर जार में डाल देते हैं। हम सारे अनानास को मिक्सर जार में डाल देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं, इससे इसका अच्छा पतला पेस्ट बन जाएगा। हमने इसमें 1/2 ग्लास पानी डाला है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। यहाँ पर मैं 2 चम्मच के लगभग चीनी डाल रही हूँ। अगर आप मीठा नहीं पसंद करते हैं तो चीनी नहीं डालिए, और आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप चीनी ज़्यादा डाल सकते हैं। इलायची के छिलकों को मैं निकाल दे रही हूँ, और मैं इसके केवल बीज को डालती हूँ। ये इसको पीस करके बारीक करना है। इलायची बहुत ही हेल्दी होता है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, जो आपके मिल्क शेक के टेस्ट को बढ़ा देता है। साथ ही इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B2, B12। हम इसका पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा अच्छे से पेस्ट बन करके बिल्कुल बारीक पेस्ट बना है, बन करके तैयार हो चुका है। हमारा मिल्क शेक अच्छे से मिक्स हो चुका है। यहाँ पर मैंने 4 से 5 कूटे हुए बादाम लिए हैं, मैंने इन्हें कूट के डाल रही हूँ। फिर कूटे हुए बादाम अच्छे से मिल्क शेक में मिक्स हो जाएंगे, पेस्ट बन जाएगा इनका भी अच्छे से। हम इसे ऐसे ही बिना पानी के चला लेते हैं, इसमें अभी और पानी नहीं ऐड करेंगे, इससे बादाम अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा बादाम भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें दूध ऐड कर लेते हैं। अगर हम इसमें दूध पहले डाल देते तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होता, इसलिए हमने दूध को बाद में ऐड किया। यहाँ पर मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, आप चाहें तो टोंड मिल्क का यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें दूध डाल दिया है। अब हम इसमें आइस क्यूब डालते हैं। आइस क्यूब मिल्क शेक के टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हम मिक्सी में लिड लगा करके इसको एक बार फिर से चला लेते हैं, जिससे आइस क्यूब मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा पाइनएप्पल मिल्क शेक बन करके तैयार हो चुका है। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसमें बहुत सारा पोषक तत्व है। इसमें मैंने
बादाम ऐड कर दिया है और हरी इलायची डाल दिया है, साथ ही पाइनएप्पल है, तो इससे ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन चुका है। अनानास में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, साथ में ही विटामिन सी, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम भी पाया जाता है। अनानास में पाया जाने वाला ब्रोमिलेन नामक तत्व सर्दी, खांसी और आपके गले की सूजन को आराम देता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे ग्लास में सर्व कर दिया है और ऊपर से आइस क्यूब डाल दिया। अब हम इसे ऊपर से कटे हुए पिस्ते से गार्निश कर देते हैं, इससे हमारा पाइनएप्पल शेक बहुत ही अच्छा दिख रहा है, साथ में बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी को, यह पाचन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। साथ ही अगर किसी को गठिया है तो गठिया में भी इसका जूस आराम देता है, बहुत ही उपयोगी इसका जूस होता है। पाइनएप्पल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर किसी को पथरी है तो उसे पथरी के दर्द में आराम मिलता है, इसलिए अपने दैनिक दिनचर्या में पाइनएप्पल को शामिल कीजिए। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, साथ ही आपको मोटापे से बचाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।